वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल को दबाकर आप हमारे अगले वीडियो की अपडेट आप तक। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फिश पकाकर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं फिश को अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं, हल्दी से और नमक से अच्छी तरह से मैं मिक्स करके मिला लेता हूं। जैसे आप फिश को मिक्स कर लोगे नमक से, उसके बाद आप लोहे की कढ़ाई में, हम आज फिश बनाने वाले हैं, कढ़ाई फिश कहते हैं, इसमें हम थोड़ा जरा सा तेल डाल लेंगे और तेल को गर्म होने दें। जैसे तेल गर्म हो जाए उसमें आप फिश को तलने के लिए डाल दें। इस तरह से आप फिश को अच्छी तरह से तल लें। फिश को तलने से दोस्तों आपको खाते समय बदबू नहीं आते, इसीलिए दोस्तों फिश को अच्छी तरह से तल लीजिए। जैसे आपका फिश अच्छी तरह एक तरफ हो जाए फिर उसको पलट दीजिए दूसरी तरफ। इस तरह से आप फिश को अच्छी तरह से ही फ्राई करें। बारी बारी से एक एक करके आराम से फिश को पलट दें और जैसे आपका फिश हो जाए उन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिए। देखिए बिल्कुल फिश फ्राई हो चुका है। चलिए दोस्तों उसी तेल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, ऊपर से ज़रा सा जीरा डाल दीजिए और मसाला को पकने दें अच्छी तरह से हल्की आंच में। ऊपर से चार हरी मिर्च काट दीजिए और उन्हें पकने दें, हरी मिर्च और मसाला को हल्की आँच में पकने दें। ऊपर से आप छोटे छोटे पीस में प्याज को काट लीजिए और छोटे छोटे प्याज को पीस को कटे हुए पीस को आप इसमें मसाला में डाल दें कढ़ाई में। उन्हें भी फ्राई करें अच्छी तरह से, हल्की आंच में फ्राई करें। ऊपर से एक चम्मच नमक डाल दें और फिर कढ़ाई को ढक दें। 20 मिनट के बाद खोलें, हल्की आंच में रखें और उसे पकाता रहें मसाला को। जैसे अच्छी तरह से आपका मसाला पक जाए ऊपर से आप टमाटो डाल दीजिए। टमाटो आप काट के रख लीजिए और डाल दीजिए। अब सबों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे मिक्स हो जाए सबसे पहले 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 2 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दें और धनिया पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। और उसके बाद फिश मसाला आते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है वो आप डाल दीजिए और उसके बाद उन्हें ढक दीजिए। 20 से 25 मिनट ढक दें, उसके बाद आप खोल लीजिए और हल्की आंच में पकाएं जो कि मसाला के अच्छी टेस्ट आए। और दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, जितने भी मसाला है सारे सिलबट्टे में पीसने से इसका टेस्ट ही बहुत ही अलग ही आता है और टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है सिलबट्टे में पीस कर अगर हम मसाला बना तैयार करते हैं तो मेरे सारे सिलबट्टे में पीसे हुए मसाला है। और ऊपर से आप टमाटो मोमस सॉस है वो भी थोड़ी जरा सा डाल दीजिए टेस्ट के लिए, टेस्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब हो जाते हैं। पिसा हुआ सरसों पिसा हुआ सिलबट्टे में थोड़ी सी डाल के अब ढक दीजिए और देखिए बिल्कुल हमारे तैयार हो चुका है। और उसके बाद एक एक करके फिश आप उसमें रख दीजिए और होने दे अच्छी तरह से पकाए। फिश को पकने के लिए हम दोबारा से आधा से 1 घंटा तक के लिए हम हल्की आंच में इन्हें ढक देते हैं, हल्की आंच में पकाना और 1 घंटे बाद आप निकाल कर देखना आपकी बिल्कुल सब्ज़ी तैयार हो चुका है फिश की और बहुत ही लजीज और टेस्टी सब्ज़ी है ये। तो दोस्तों अगर यह वीडियो मेरी आपको पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब लाइक तो ज़रूर बनता है और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करना ना भूलें। आप हमारे दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखिए लाल सा बटन सब्सक्राइब किया है, उस बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल फ्री। दोस्तों उसके बाद आइकन बेल आएगा, आइकन बेल को आप क्लिक करके आप हमारे अगले वीडियो के अपडेट पूरे आप तक पहुंच सकते हैं। आइए आगे का वीडियो देखें।